डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह या रामबन जैसे इलाकों की बात करते हैं जहां पर लगातार कर्फ्यू जो है ये जारी रखा गया था। इंटरनेट सर्विसेज जो है यहाँ पर बंद की गई थी। ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो भी कई इलाकों में कहीं ना कहीं जो है सुचारू रूप से नहीं चलाई जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार सांप्रदायिक जो चिंता यहाँ पर जो है बनती हुई नजर आई थी उसके बाद जो है ये कदम उठाए गए थे। लेकिन अब जो ज्यादा जानकारी जो है इस पूरे जो है मामले को लेकर सामने आ रही है, इसमें आपको बता दें कि सबसे पहले तो रामबन जिले की अगर हम बात करें तो रामबन जिले में यहाँ इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज जो है और इसी के साथ जो फिक्स लाइन मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, जो फिक्स लाइन इंटरनेट सर्विसेज है जिस तरह से ब्रॉडबैंड की भी अगर हम बात करते हैं तो ये अब जो है एक बार फिर रिस्टोर कर दी गई है। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की अगर हम डोडा जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर भदरवा का जो इलाका है वहां पर अभी भी यानी कि आज भी कर्फ्यू जो है जारी है और आज 5वां दिन है जहाँ सेक्शन 144 या फिर कर्फ्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये इम्पोज किया गया है। और इसी के साथ साथ कई सारे ऐसे इलाके हैं किश्तवाड़ के जो आसपास के इलाके हैं या जो अगर हम डोडा की बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हैं ये जो है यहाँ पर लगाई गई है, ताकि जिस तरह से जो यहाँ पर कम्युनल टेंशन जो है बन रही थी उससे जो है कहीं ना कहीं शांति मिल सके। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो बच्चे जो हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं उन्हें जो है फ्री मूवमेंट दी जा रही है, हालांकि उन्हें भी अपनी जो उनकी वैलिड आइडेंटिटी है या उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो जो है उनके पुलिस को दिखाने होंगे, उसके बाद उनकी जो फ्री मूवमेंट है उस इलाके में वो की जा रही है। और इसी के साथ साथ जहाँ ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो है रामबन में जो कि यहाँ पर जो है रिस्टोर कर दी गई। और इसी के साथ साथ ये भी आपको बता दें कि 9 जून को ये सारी सर्विसेज जो है ये बंद की गई थी और उसके बाद जिस तरह से कम्युनल टेंशन को ट्रिगर करने का एक कोशिश यहाँ पर हो रही थी, सोशल मीडिया पर भी कई सारी ऐसी पोस्ट जो है ये सामने आ रही थी जहाँ पर जो है लोगों में कहीं ना कहीं तनाव जैसी जो स्थिति है वो बन रही थी। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लीडर नूपुर शर्मा का जो बयान जो है सामने आया था उसके बाद ही ये जो तनाव जो है ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो ये कम्युनल राइट्स जैसी स्थिति बनाने के लिए हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं अब जो है कोशिश ही की गई जो है प्रशासन की तरफ से भी कि इस तरह की टेंशन जो है वो यहाँ पर ना बने, जिसके मद्देनजर कई जगहों पर जो है कर्फ्यू लगा दिया गया और कई जगहों पर इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई, यहाँ तक कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है कई इलाकों में वो भी बंद की गई थी। लेकिन अब जो है इन चीजों को धीरे धीरे करके जो है एक बार फिर पटरी पर लाया जा रहा है, एक बार फिर इन्हें ट्रैक पर लाने की खबर जो है वो हो रही है। लेकिन अब जो है किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को जो है नॉर्मलाइज किया जाता है, किस तरह से जहां आज रामबन में भी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं ये जो है शुरू की गई हैं, भदरवा में अभी भी कर्फ्यू जो है ये जारी है, अब कितना और वक्त जो है लगता है क्योंकि 5वां दिन आज हो चुका है भदरवा में कर्फ्यू जो है कंटिन्यू जो है रहते हुए, इस बीच अब कितना और लंबा वक्त जो है लग सकता है इस कर्फ्यू जैसी स्थिति से जो है बाहर निकलने के लिए, और जो ये राइट जैसी जो सिचुएशन बन रही थी इससे जो है अब निजात पाने के लिए और कितना वक्त लगेगा ये जरूर देखना होगा।